जय श्री कृष्णा दोस्तों, अपना देश चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, बसंत के नाम से ही मन में हर्ष और जो उल्लास है वो भर आता है। बसंत ऋतु के आते ही प्रकृति का कण कण खिल उठता है। न केवल मनुष्य परंतु पशु पक्षी पेड़ पौधे सभी उल्लास से भर आते हैं। बसंत का मतलब है कि अब सर्दियां खत्म हो चुकी और फलने फूलने का मौसम जो है वो आ गया और आम के पेड़ों को देखो तो मंजरियों से भर जाते हैं। और दोस्तों, बसंत पंचमी का दिन जो होता है वो होली के लिए प्रतीक के स्वरूप होता है, इसलिए इस दिन पेड़ लगा दिया जाता है। वृंदावन और बरसाना की गलियों में राधा कृष्ण के प्रेम और रास लीलाओं का चित्रण आंखों के सामने आ जाता है। और दोस्तों, ये दिन होता है नाचने गाने का, सबसे प्रेम और जोश से बात करने का, खुश होने का और खुशियों को बांटने का। दोस्तों, इस दिन प्रसन्न होने में कंजूसी बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। और दोस्तों, मान्यता है कि आज के दिन हर्ष उल्लास से ऊर्जा से प्रेम से व्यवहार करने वाले जातक के जीवन में हर तरफ से खुशियाँ जो है वो दौड़ी चली आती है। मित्रता के लिए, प्रेम के इजहार के लिए बसंत पंचमी से अच्छा और कोई दूसरा दिन नहीं होता है। दोस्तों, इसे भारत का वैलेंटाइन डे भी कहा जाता है, जो कि बहुत प्राचीन काल से मनाया जाता है। और आज दोस्तों, यानी कि बसंत पंचमी के दिन प्रेम के देवता यानी कि कामदेव की पूजा भी की जाती है। और दोस्तों, जो व्यक्ति किसी से सच्चा प्यार करते हैं या अपने किसी मित्र से क्षमा याचना करना चाहते हैं तो इस दिन मौका बिल्कुल भी नहीं चूकना चाहिए। अपने मन की बात, अपने मन की भावनाओं को जरूर से प्रकट कर देना चाहिए। संभव हो तो कोई उपहार या फूल अवश्य ही भेंट करना चाहिए। दोस्तों, बसंत पंचमी के अवसर को बिल्कुल भी नहीं गंवाना चाहिए। कुछ न कुछ अच्छा अवश्य ही बोलना चाहिए, सच्चे हृदय से बोलना चाहिए, अपनी मनोकामनाओं को, अपनी इच्छाओं को प्रकट करना चाहिए, अपनी भावनाओं को छुपाना नहीं चाहिए। लेकिन ध्यान रहे दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए जिससे किसी को ठेस पहुंचे, क्रोध आए या फिर बुरा लगे। दोस्तों, इस सृष्टि में शब्दों की शुरुआत ने एक नया मोड़ लिया है, खुशियों को जो है वो ऐड किया है। दोस्तों, बिना शब्द के निःशब्द जो सृष्टि थी वो बिल्कुल विचारहीन थी। और इसलिए दोस्तों, मान्यता के अनुसार सृष्टि की रचयिता ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि की रचना की तो करने के बाद मनुष्य को बनाया। जिसके पास ज्ञान और शब्द नहीं थे तब उन्होंने अनुभव किया कि निःशब्द सृष्टि का कोई औचित्य ही नहीं है, क्योंकि बिना शब्दों के विचारों की अभिव्यक्ति का माध्यम नहीं था और इसी कारण ज्ञान का प्रसार नहीं हो पा रहा था। तब उन्होंने बसंत पंचमी के शुभ दिन ही दोस्तों पत्तों पर जल छिड़का, जिससे विद्या की अधिष्ठात्री देवी का अवतरण हुआ, जिनके एक हाथ में वीणा, एक हाथ में वर मुद्रा और अन्य हाथ में पुस्तक और एक हाथ में माला थी और जिनका वाहन है मोर। दोस्तों, एक्चुअली में ये जो चीजें हैं वो प्रतीकात्मक है। दोस्तों, हर एक वस्तु का अपना एक प्रतीक स्वरूप है। जैसे वीणा को संगीत का, पुस्तक को विचार का, वाहन मयूर को कला का प्रतीक माना गया है। दोस्तों, इन्हीं प्रतीकात्मक वस्तुओं को इस पावन पर्व पर यानी कि बसंत पंचमी के अगर अपने घर लेकर आए तो दोस्तों अपार खुशियां जो है वो आ सकती है। ज्ञान और धन के साथ दोस्तों खुशियां भी आपके घर में आ जाएंगी। कैसे? एक्चुअली दोस्तों, बसंत पंचमी केवल हिंदू धर्म ही नहीं बल्कि वास्तु की नज़र से भी बहुत अधिक खास होता है। बसंत पंचमी देवी सरस्वती से जुड़ा दिन है। उनका जन्मोत्सव के रूप में हम बसंत पंचमी का त्यौहार बनाते हैं और इसीलिए दोस्तों इस दिन माँ सरस्वती से जुड़ी जो शुभ चीज़ें अगर उनको घर में लेके आए तो उससे बुद्धि का, ज्ञान का विकास होता है और जिससे धन का विकास होता है और इससे घर में खुशियाँ आती है। तो जान लेते दोस्तों वो कौन सी चीजें हैं जिन्हें हमें जरूर से खास तौर पे बसंत पंचमी के दिन अपने घर में लाना, और अगर हमारे घर में है तो इस दिन उनकी पूजा हमें अवश्य ही कर लेनी चाहिए। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो आपने लाइक बटन पे क्लिक करना बिल्कुल भी ना भूलना, और साथ ही इस इन्फॉर्मेशन को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स का जरूर से शेयर करना है और कमेंट में लिखना है जय माँ सरस्वती। तो चलिए जान लेते हैं दोस्तों वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जिन्हें हमें खरीदना है।
दोस्तों सबसे पहली चीज है वीणा, जो माँ सरस्वती के हाथ में विराजमान रहती है। सरस्वती माँ को सबसे प्रिय होती है। वीणा को दोस्तों बहुत ही पवित्र माना जाता है, संगीत का प्रतीक माना गया है। दोस्तों इसे घर में रखने से सुख और शांति का माहौल बनता है। दोस्तों अगर बड़ी वीणा अगर आप नहीं लेके आए, क्योंकि अगर घर में कोई म्यूजिशियन नहीं, कोई वीणा बजाने वाला नहीं है, तो उसे खरीद कर लाने का कोई औचित्य नहीं लगता है और काफी महंगी भी आती है। तो आप इसके बजाय आप कोई शोपीस भी वीणा का लेके आ सकते हैं, या माँ सरस्वती की वीणा के साथ की तस्वीर जो है वो भी आप घर के वेस्ट डायरेक्शन पश्चिम दिशा में लगा लीजिए। दोस्तों अगर आपके घर में बच्चे जो है अगर पढ़ाई नहीं करते हैं, तो उनमें भी आपको इम्प्रूवमेंट फील होने लगेगा। दोस्तों उनका पढ़ाई की तरफ आकर्षण बढ़ेगा और मन लगेगा। और साथ दोस्तों हो सके तो आपने तस्वीर को ऐसी जगह लगाना है जहाँ पर नजर जाए सबकी, उस पर ध्यान जाना चाहिए सभी लोगों का, तभी वह इफेक्टिव रहती है। अगली चीज है दोस्तों हंस की तस्वीर या फिर शोपीस। दोस्तों हंस को देवी सरस्वती का वाहन माना गया और इसे शुभता का प्रतीक भी माना जाता है। दोस्तों हंस की तस्वीर या शोपीस आपने घर में लाकर ऐसे हिस्से में रखनी है जहां से हर सदस्य की नजर उस पर पड़े, या फिर घर के सदस्य जहां पर अधिक से अधिक समय व्यतीत करते हो, ऐसी जगह पे आपने हंस की तस्वीर या शोपीस लगाना है। साथ ही दोस्तों हंसों का जो जोड़ा होता है वो अगर आपने बेडरूम में आप रखते हैं, तो आपकी रिलेशनशिप में बहुत इंप्रूवमेंट आएगा, मधुरता आएगी और प्यार बढ़ेगा, साथ ही विश्वास बढ़ेगा। तो आपने हंस की तस्वीर, शोपीस या फिर हंस का जोड़ा इस पावन दिन जरूर से लेकर आना है, ताकि माँ सरस्वती के साथ साथ दोस्तों धन की देवी और रिलेशंस में भी आपके जो है बहुत अधिक प्रगाढ़ता आएगी। दोस्तों अगली चीज है मोर पंख। दोस्तों मोर पंख के बारे में बताने की आवश्यकता ही नहीं है कि प्राचीन काल से देवताओं के संबंध में जहाँ भी वर्णन आता है वहाँ मोर पंख का जो है वर्णन अवश्य ही आता है। भगवान श्री कृष्ण ने इसे अपने मस्तक पर धारण किया था और ऐसा कहा जाता है कि उनकी माता ये जानती थी कि उनके पुत्र के काल सब दोषितों से की मुक्ति के लिए उन्होंने बचपन से ही जो है मोर पंख उनके सर पर विराजित कर दिया था। इसके साथ दोस्तों हमारे जो पुराने ग्रंथ हैं, बड़े बड़े ग्रंथ हैं, वह भी इस मोर पंख की कलम से ही लिखे गए हैं। साथ ही दोस्तों मोर पंख को घर में रखना बहुत ही शुभ माना जाता है। दोस्तों जिस घर में मोर पंख होता है वहाँ उस घर के कई वास्तु दोष स्वतः ही दूर हो जाते हैं। अगर आपके एंट्रेंस की प्रॉब्लम है घर में, अगर एंट्रेंस को लेके कोई वास्तु दोष है, तो आप मेन गेट पे अगर 7 मोर पंख लगा देते हैं, तो इससे आपके घर में एंट्रेंस से रिलेटेड कोई दोष है तो वो दूर हो जाएगा। साथ ही दोस्तों अगर आपके बच्चों में पढ़ाई को लेके आलस्य है, उनका मन नहीं लगता है, तो जिस सब्जेक्ट में वो कमजोर है उस किताब में अगर आप मोर पंख रख देंगे, तो धीरे धीरे उस सब्जेक्ट के प्रति बच्चे की रुचि बढ़ने लगेगी और उसकी जो मेमोरी बढ़ने लगेगी, और साथ ही दोस्तों उस सब्जेक्ट में उसका इंटरेस्ट भी अपने आप बढ़ने लगेगा। और साथ ही दोस्तों घर में अगर धन की समस्या है, तो इसके लिए बहुत ही सरल सा और अचूक उपाय है दोस्तों, इस दिन आपने मोर पंख लाना है, माँ सरस्वती के सामने रख के पूजा अर्चन करने के बाद में इस मोर पंख को अपने धन स्थान अपनी तिजोरी में आपने रख देना है। दोस्तों जिस घर में इस तरह से पूजित मोरपंख होता है, वह तिजोरी कभी भी खाली नहीं रहती। भगवान श्री हरि की कृपा से, और जहाँ भगवान श्री हरि होते हैं वहाँ माँ लक्ष्मी स्वतः ही निवास करती है। इसलिए अपने घर में, अपनी अलमारी में, अपनी तिजोरी में मोरपंख रखना आपने बिल्कुल भी नहीं भूलना है। और अगर आपके घर में मोरपंख पहले से है, तो इस दिन आपने पूजा करके पुनः उसे तिजोरी में रख लेना है। दोस्तों अगली चीज जो आपने परचेस करके लानी है पूजा में अवश्य रखनी, वो है कमल का फूल। दोस्तों वैसे तो हम लोग डेली में अलग अलग तरह के फूल जो यूज करते हैं, नॉर्मली कमल का फूल कम यूज किया जाता है, महंगा भी होता है, अवेलेबल भी कम ही हो पाता है। तो लेकिन दोस्तों इस दिन आपने पूजा में माँ सरस्वती के सामने कमल का पुष्प अवश्य ही चढ़ाना चाहिए। दोस्तों इससे घर में खुशी आती है, घर में शांति का माहौल बना रहता है। साथ ही दोस्तों अगर घर में पहले से बासी फूल है, तो उन्हें हटा कर मंदिर को साफ स्वच्छ कर लेना है
गेंदे के फूल से आपने मंदिर को सजाना है, घर के एंट्रेंस पे आपने रंगोली जो है गेंदे के फूल से बना लेनी है, बंधन वार भी अगर हो सके तो आम के पत्तों और गेंदे के फूल से बनाए दोस्तों। इससे घर में शुभता के साथ साथ माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद जो है वो आपको अवश्य ही मिलेगा। और हो सके दोस्तों तो अपने घर में भी आप कमल के पुष्प छोटे छोटे पोट्स में जो लगा सकते हैं, नहीं तो आप मार्केट से बाय करके ला सकते हैं दोस्तों। इस तरह से जो घर में जो पूजा में कमल का पुष्प रखा जाता है वो माँ लक्ष्मी और सरस्वती दोनों को ही प्रिय होता है दोस्तों। अगली जो चीज जो आपने बसंत पंचमी के दिन लानी है माँ सरस्वती की तस्वीर या फिर मूर्ति। दोस्तों देवी सरस्वती को विद्या की देवी माना जाता है, उनकी मूर्ति घर में रखने और रोज उनकी पूजा करने से जीवन में सफलता और तरक्की जो है वो आपके कदम चूमने लगेगी। और दोस्तों अगर आपके घर में पहले से माँ सरस्वती की तस्वीर या मूर्ति है तो इस दिन आपने उनको नए स्वच्छ वस्त्र पहनाने, सफेद या फिर येलो कलर की जो है वो आपने पोशाक माँ सरस्वती को पहनानी है, पीले फूल और कमल के फूल से माँ सरस्वती की आपने पूजा करनी है, आपने हल्दी या फिर केसर का तिलक करना है माँ सरस्वती को। और दोस्तों बड़ी पूजा अर्चना करने के बाद में आपने किसी भी पीले रंग की आप चाहे तो बेसन के लड्डू, बेसन की बर्फी या फिर केसर मिली खीर का भोग लगा सकते हैं, पीले चावल, पीले जो मीठे चावल है उनका भोग लगा सकते हैं। इस तरह से किसी पीले व्यंजन का माँ सरस्वती को भोग लगाना है दोस्तों। इस दिन अपनी जो धनार्जन की वस्तुएं हैं, जिससे भी आप अपनी जीविकापार्जन करते हैं, उन चीज़ों की पूजा आपने अवश्य करनी चाहिए। अगर आप विद्यार्थी हैं तो अपने कमल और जो कलम है, अपने पेन है, इनकी आपने पूजा करनी, अपनी पुस्तकों की पूजा करनी चाहिए। अगर आप कंप्यूटर के थ्रू अर्न करते तो अपने कंप्यूटर, लैपटॉप इत्यादि की पूजा इस दिन करनी चाहिए दोस्तों। ऐसा करने से माँ सरस्वती का आशीर्वाद जो है हम सभी को, हमारे जीविका के जो स्रोत हैं उनको भी प्राप्त होता है, जिससे हम दिन दुगनी और रात चौगुनी तरक्की कर सकें। तो दोस्तों ये वो पांच चीजें जो आपने बसंत पंचमी के दिन जरूर से खरीद लानी है, जिससे दोस्तों आपके घर में धन, बुद्धि, ज्ञान के साथ साथ अपार खुशियों का समावेश हो सके दोस्तों। उम्मीद है ये जानकारी आपके जीवन में लाएगी अपार खुशियां, और साथ दोस्तों इन खुशियों को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। इसलिए वीडियो को शेयर कीजिएगा, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और कॉमेंट में लिखना बिल्कुल ना भूलें। जय माँ सरस्वती दोस्तों। चैनल से जुड़े रहें, सब्सक्राइब करके रखें और घंटी के बटन को प्रेस कर दीजिए। हमेशा की तरह हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खुशियां शेयर करते रहिए।